बिहार के दरभंगा में जन्मे एक्टर और कॉमेडियन संजय मिश्रा को कभी ऋषिकेश में एक ढाबा पर कुक के तौर पर काम करना पड़ा था। संजय के पिता शंभुनाथ मिश्रा पेशे से जर्नलिस्ट थे जबकि उनके दादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। 1 जुलाई को इंटरनेशनल जोक डे है। आपको संजय मिश्रा के बारे में बता रहा सीरियल से की थी करियर की शुरुआत। बिहार के दरभंगा में जन्मे संजय जब 9 साल के थे तो उनकी फैमिली वाराणसी शिफ्ट हो गई थी। संजय ने अपनी एजुकेशन वाराणसी से केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस से की। इसके बाद इन्होंने बैचलर की डिग्री साल 1989 में पूरी करने के बाद 1991 में राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल में एडमिशन लिया। आज संजय के पास फॉर्च्यूनर और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। पटना और मुंबई में कई घर हैं। कभी मुफलिसी में दिन बिताने के लिए मजबूर हुए संजय मिश्रा आज करीब 20 करोड़ के मालिक हैं। संजय मिश्रा ने सीरियल चाणक्य से अपने करियर की शुरुआत की थी। बता दें कि करियर के शुरुआती दिनों में ही संजय के पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद संजय का मन एक्टिंग में नहीं लगा, जिसके बाद वे मुंबई न जाकर उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश चले गए। यहाँ वे एक ढाबे पर काम करने लगे। संजय की लाइफ और करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्म गोलमाल में काम करने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भी संजय फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन रोहित ने ही अपनी अगली फिल्म ऑयल द बेस्ट में एक बार काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद तो फिर संजय ने पलट कर नहीं देखा।